बनारसी मैडम और सोनाली श्रीवास्तव मैडम बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम, जैसे मैडम ने बताया कि अगर हमारे बच्चे 5 साल से ऊपर भी हो गए तो अब ये कार्यक्रम हमारे क्या योगदान है, तो ये है कि आसपास के भी जितने 5 साल से कम वाले बच्चे हैं तो ये कोशिश करें कोई छूटे नहीं। दूसरी बात कि जैसे मैंने बताया कि ये होने के बाद में घर घर जाकर हम देते तो उसकी राह नहीं देखे। जितना बड़ा जो आज प्रोग्राम गवर्नमेंट बना रही है, WHO, यूनिसेफ, रोटरी क्लब, पूरी जितनी संस्था है, आप कल्पना कीजिए कि 2 बूंद जो दी जा रही है बाजार में, अगर इसकी कीमत देखिए 4.75 रुपये होती है जो गवर्नमेंट हमको फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क दे रही है, तो ये हमारी जवाबदारी बनती है कि उसी दिन इतने बूथ पर जाकर हम अपने चुके दे जाए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक ही दिन के इतने सारे बच्चों को एक साथ में इतना टीका दिया गया। बात क्यों महत्वपूर्ण है कि जब 89 में जब शुरू किए थे तो हमारे इसमें लाखों बच्चों को पोलियो होता था और 2011 के बाद से हमारे देश में एक भी केस नहीं। क्योंकि जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया था तो सब लोग हम पे बहुत हंस रहे थे कि एक गरीब देश, गंदा देश, जिसके इतनी गंदगी है, इतनी ओवर क्राउडिंग है, इसीलिए बीमारी फैल रही थी, बचा कैसे सके। और आज हम लोगों ने सिद्ध कर दिखा है, शासकीय लेवल पर बनारसी मैडम है, प्रशासकीय लेवल पर कुलकर्णी मैडम है, पीडीटिक्स के हम सब लोग हैं, और सबसे ज्यादा हमारे जो NGOs हैं, स्वयंसेवी संस्था, रोटरी, JCI वगैरह, सब ने मिलकर इतनी कोशिश की कि आज हम दावे के साथ कह सकते हैं हम पोलियो मुक्त हो गए। लेकिन दोस्तों यहाँ से अपनी जवाबदारी और बढ़ गई है कि जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास में 2011 के बाद से एक भी केस नहीं है तो खतरा पूरा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड में अगर एक भी केस है तो पोलियो जिंदा है। और बहुत दूर में हमारे से बिल्कुल लग के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 2 देशों में अभी भी पोलियो चल रहा है। यहाँ से पोलियो कभी भी आ सकता है, और जब पूरा विश्व एक छोटा सा गोला हो गया है, कोई बीमारी अगर अमेरिका में होती, इंग्लैंड में होती तो 24 घंटे में भारत पहुंचने में देर नहीं लगती। ऐसे इसमें हमारा सजग रहना, जागरूक रहना बहुत जरूरी है। ये हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य है कि सब में एक जन जागरूकता हो, प्रोग्राम के प्रति हमारी सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता बढ़े, हमारे को हमारी जिम्मेदारी का एहसास हो कि मेरे बच्चे तो बड़े हो क्या करना है। अब इसके बाद में कि कोई अपने प्रश्न का, कोई ऐसा हो, कोई शंका हो, प्रश्न हो तो आप बिल्कुल पूछिए, निसंकोच पूछिए कि कहीं किसी को कोई हंसी वाली बात नहीं है, श्रम संकोच की बात नहीं है। मैं बैठूं उसके पहले जिस प्रश्न को पूछे, तो एक प्रश्न था कि 5 साल तक क्यों क्यों देते, 5 साल के ऊपर क्यों? इसका कारण यह कि जितने संक्रामक बीमारियां हैं, इंफेक्शियस डिजीज है, वो जनरली 5 साल से नीचे के बच्चों में, खासकर 2 साल के नीचे के बच्चों। पोलियो का अगर हम रेगुलर भी अगर हम देखें, पोलियो का जो हमारा टीकाकरण होता है, इम्यूनाइजेशन होता है, तो पहले साल में कम से कम 5 डोज मिलते हैं, उसके बाद में उसका अगर असर कम होता तो 1.5 साल में बूस्टर डोज दिया जाता है कि वापस से उसकी शक्ति, इम्यूनाइजेशन बनाया जाता है, प्रतिकार शक्ति, ये रहती है तकरीबन 4 से 5 साल, और उसके बाद में 1 डोज और दिया जाता है, वो फिर होती है लाइफ। तो ऐसा माना जाता है कि 5 साल के ऊपर में पोलियो लगभग नहीं होता। अगर कोई ऐसा पूछे कि होता ही नहीं है क्या, तो बड़ों में भी पोलियो के केस मिले पर अपवाद स्वरूप, तो जो मेन अपना लोड है वो 5 साल तक है। तो 5 साल के ऊपर अगर 5 साल से 10 साल की अगर बढ़ा दिया हम लोग, तो ये 5 साल के ऊपर में जितना हमारा खर्चा लगेगा, जितनी हमारी मेहनत लगेगी, जितने रिसोर्सेस लगेंगे, उतना हमारा आउटकम नहीं रहेगा, उतना बहुत फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो मेन टारगेट ग्रुप है वो 5 साल से नीचे, 5 साल से ऊपर होने चांसेस बहुत कम। और जो हम लोग टीका दे रहे हैं, इसका बहुत बड़ा फायदा क्या है कि जिसको हम दे रहे हैं उसको भी इसका लाभ मिल ही रहा है, पर ये जो जंतु है उसके शॉक में से, उसके लेटिन में से बाहर जंतु वातावरण में फैल रहे हैं, और जो बाकी के लोग कंज्यूम करते हैं तो उनको अपनी आप ही शक्ति मिल रही है, प्रतिरक्षा शक्ति मिल रही है, तो बच्चा खुद तो उसको टीका मिल ही रहा है, आसपास के लोगों को उससे बचाव हो रहा है। तो अगर इतने सारे बच्चों को अगर टीका मिल रहा है, उतने जंतु अगर वातावरण में जा रहे हैं, तो बड़े लोगों को उसका अपना फायदा हो रहा है। इसके अलावा कोई प्रश्न तो पूछो सर। जिनको पोलियो हो चुका है, ऐसे कुछ बच्चे हम स्कूल में देखते हैं, जब स्कूल से अपने बच्चों को लेने जाते हैं, तो ये 2011 के पहले की कोई केसेस होगी, तो उसमें प्रिवेंटिंग अपन रिकवर करने के लिए क्या कर सकते हो बच्चों में? एक्चुअली जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि ये पोलियो एक दुर्दैवानी म्हणजे संक्रमण का दुर्दैवानी असे पोलियो असा आजार आहे की ते लखवा तो बड़ा सा लाइफ लॉन्ग असतो पॅरालिसिस,
त्याला आपण कुठलेच ट्रीटमेंट नाही आहे. म्हणून एकच ट्रीटमेंट ही आहे की आपण त्याला प्रिव्हेंट करू शकतो. प्रिव्हेंशन म्हणजे आपण प्रतिबंध कसा करायचा, तर पोलिओ लस हेच एक उत्तर आहे त्याच्या प्रतिबंधातून. झाल्यानंतर इट इज नॉट मतलब फिजिओथेरपी म्हणा किंवा काही यांनी आपण थोडस बाळाचं प्रमाण कमी नाही होत, पण एक जस्ट मोबिलायझेशन. हा अनपेक्षित माझ्या लक्षात प्रश्न असा आला की मी जेव्हा माझ्या मुलांना घ्यायला शाळेत जातो, एक दुसरीत असलेला मुलगा आहे ज्याला रोज त्याचे कडेवर आणते आणि कडेवर नेते, तर त्यामुळे हा प्रश्न होतो. तर त्याच्यासाठी आपण काही करू शकतो काय? नाही, पोलिओ मध्ये हे शक्यच नाही आहे. फक्त आपण प्रतिबंध मार्ग आहे त्याला. त्यामुळे आपण म्हणून इतकं स्ट्रेस या प्रोग्राम ह्याच करता येतो की आपली पुढची जनरेशन आहे, प्रिव्हेंट आपण करून आपण आपली चांगली जनरेशन आपण तयार करू शकतो. कारण ह्याला एक इट इज लाईफ लॉंग. फक्त फिजिओथेरपीने आपल्याला थोडंफार फार काही मोबिलायझेशन करता येईल, पण खूप आपण त्याच्यामध्ये नाही काही करू शकतो. आणि म्हणून पुन्हा असं मॅडम बोलल्या ना, फक्त शारीरिक नाही आहे, फिजिकल नाही आहे, मेंटल म्हणजे बाळाला किती त्रास आहे तो पूर्ण शाळेपासून वेगळा आहे. सायकोलॉजिकल किती आहे की आता ती आई घेऊन फिरत आहे, तर कोठे फंक्शन मध्ये गेली, कुठे गेली, तर बाळाला काय झालं, ते 50 प्रश्नांचे उत्तर की तुम्ही दिले नाही का, मग कसं झालं, काय झालं. आर्थिक जे पैसे खर्च होणार आहे त्या आजारी बाळावर. तो फक्त प्रश्न शारीरिक नाही आहे, मानसिक आहे, मनोवैज्ञानिक आहे, आर्थिक आहे, सर्व दृष्टीने तो आपल्यासाठी नुकसानदायक आहे. तर म्हणून ते व्हायलाच नाही पाहिजे, हे लसीकरण जरुरी झाल्यानंतर कुठलाच उपचार नाही. थैंक यू डॉक्टर सतीश अग्रवाल सर जी, जो आपने हमें जानकारी यहाँ दी. प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, जो ऐसा हम जानते हैं. और जो अभियान चला जा रहा है इस हिसाब से कि भाई आगे और किसी को ना हो, तो मुझे एक सिर्फ एक वाक्य याद आ रहा है. एक ऑस्ट्रेलिया और शायद साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 470 से ज़्यादा कुछ रन बना दिए थे. तो ऑस्ट्रेलिया सोच रहा था कि भाई अब तो हम बैठे भी रहेंगे तो ये लोग इतने रन नहीं बना पाएंगे. लेकिन उस मैच को साउथ अफ्रीका ने 475 या 480 रन बना करके जीता था. तो क्योंकि प्रिकॉशन इन लोगों ने नहीं लिया था, तो वो मैच इनके हाथ में थी. तो हमको भी ये पोलियो अभियान ऐसा भाई जड़ से खत्म हो गया है, तब भी हमको इसको बिल्कुल उतना ही ध्यान देना है जितना वो आगे न बढ़े करके. और इसके बाद जो हमारा आज के प्रमुख अतिथि है, आप लोगों ने ये प्रश्न भी पूछे इसको पल्स पोलियो क्यों बोलते हैं, सही सवाल देखिए. भोपाल जी का फोन है इसलिए हम सब लोग जैसे प्रोग्राम बनाने चाहिए जरूरी नहीं है. आप लोग यहाँ से आए तो आपको कुछ ऐसा लगना चाहिए कि आके गए करके पल्स बोलर एक स्टॉपेज जैसा, उसको एक स्पीड स्पीकर का जैसा है एक कुछ तो भी उसको. और अच्छे से और कोई बोलना चाहे तो बोलिए. इंटरेक्शन अपना अपना संवाद है आपस का, नहीं पता तो कल्पना करके तो बताइए कि क्यों बोलते हैं इसको पल्स पोलियो. ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है शायद इसका. ये तो टीका है ना, टीका है, और वो भी कल्पना की छोटे छोटे बच्चों को दे रहे. चलो कोशिश तो करें ना, बोलिए अपनी अपनी कल्पना लगाइए ना. अरे प्रेसिडेंट साहब जब आए तो प्रेसिडेंट साहब को लगना चाहिए कि हमारा जो माप है वो भी उतना इंटरेस्ट ले रहा है. हमारे जो गेस्ट है उनको लगना चाहिए जैसे कोई संस्था है करके जिसमें इंटरेक्शन होता है, कोई आके बैठे नहीं हमको. पोलियोला मात करण्यासाठी त्याला थांबवण्यासाठी जो आपण आधीच देतो बरोबर, पण ते तर प्रतिबंधात्मक तसं देतो ना आपण रोजचं. आपलं जे नेहमी लसीकरण आहे तेही तसंच आहे, मग याला पल्स पोलिओ नाव काय दिलं आपण? त्याच्या व्यतिरिक्त आपण हा दरवर्षी राबवतो ना. बरोबर, पल्स नाव काय दिलं, मग आपण पोलिओ एक्स्ट्रा बोललो असतो आपण, अतिरिक्त पोलिओ लसीकरण. तुमचं नंतर आहे, तुमचं स्पीचच्या नंतर, आपण फक्त असं इंटरॅक्शन आहे. मला असं वाटतं पल्स पोलिओ नाव असं दिलं असेल की त्याला आहेच इंडिकेशन दिलेलंच आहे की तो गुण जिंदगी के जीवन वाचवण्यासाठी आपल्याला आवश्यक असतात आपले पल्सेस, हार्टची धडधड. तर त्याला ते नाव साजेसं आहे असं मला वाटतं, आणि पल्स हे नाव याच्यासाठी दिलं असेल. एकदम बरोबर. आणि हे जे बोलले सगळ्यांचा सारसंक्षेप असं आहे, पल्स म्हणजे कसं आहे की इंग्रजी शब्द आहे की लाटा जशी येतात लहर, तसं आहे
तर हे रेग्युलर आपलं जे लसीकरण आहे त्यानंतर दोन दिवस ठरवले जातात वर्षात, काही काही भागात जास्ती दिवस असू शकतात. आपल्याकडे वार्षिक दोन असतात, असे पल्समध्ये येतात, लाटेमध्ये येतात, म्हणून याला पल्स म्हणतात. आणि हे दोन दिवस असे महत्वाचे की दोन दिवशी एकही बाळ आपल्याकडे सुटायला नको. दुसरा प्रश्न जे मला अपेक्षित होतं की आपल्या बाळासमोर मागच्या आठवड्यात आपण दिलेलं रेग्युलर लसीकरण, तर मग त्याला फर्स्ट डोसची गरज आहे का? कारण त्याचं आधी झालेलं सगळं लसीकरण 100% जरुरी आहे, अनिवार्य आहे, अनिवार्य आहे. कारण की ऍक्च्युअली त्याला रेग्युलर झालेलं आहे आणि हे पल्स पोलिओ एक जो स्टॉपेज जो तुम्ही म्हणाले की लाट्याद्वारे येतोय तर तो दिलाच गेला पाहिजे. सबको मंजूर आहे की अगर पिछले हफ्ते हुआ या कल हुआ या परसों हुआ तो भी देने चाहिए. इम्युनिटी ग्रो होती है इससे. तो यानी कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ये बोलते कि अभी तो दिया, बोले फिर क्या जरूरत है? तो भी जरूरत है. कल दिया तो भी जरूरत है, परसों दिया तो भी जरूरत है. क्योंकि मास्क अभियान एक साथ में चलाया जा रहा है, उस दिन एक फुल स्टॉप लगाया हमने उस बीमारी को. तो अपने सबकी जॉब करती. अच्छा, उस सर्दी खांसी तो उसको देना चाहिए क्या? एकाच वेळेस म्हणजे आता पूर्ण देशभर याच दिवशी आपण जास्तीत जास्त बाळ कव्हर करतो, जवळपास 80-85%. तर एकाच वेळेस देण्यात येणारी अधिकची पोलिओची मात्रा म्हणजे पल्स पोलिओ.